अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीमुद्दीन 5455 मैं रिहाइश पज़ीर हूँ और मैं वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला चीफ जस्टिस साहब से और आई जी सिंध से मैं मुताला कर रहा हूँ कि मेरे को 9 तारीख सन 2011 को मेरे को घर से उठाया 2 मोबाइल एक APC में और मेरे से बोल रहा है कि मेरा मकान खाली कर दे और ये 4 लाख रुपया ले ले। मेरा मना करने पे वो देश में आ गया। 11 तारीख को उसने मेरे पे FIR लॉन्च करी और 12 को मेरी बीवी ने सीधी हाई कोर्ट के अंदर दाखिल करी, जो जज साहब उनने रेड करी थाने में, लेकिन SHO साहब ने मेरे को नादरन बाईपास चौकी के ऊपर वहाँ पर मेरे को रख दिया। उसके बाद मेरे को इसने 13 को जेल कस्टडी कर दी। मैं जब जेल के अंदर रहा तो 15 तारीख को ये मेरी बीवी को, मेरी जवान बच्चियों को, मेरे 2 बच्चों को, मेरे को दामाद को ले गया थाने के अंदर थाना साइड सुपर हाईवे में इमाम बख लाचारी और कहने लगा कि तुम यहाँ दस्तखत करो, ये मकान तुमने फरोख्त कर दिया है। मेरी बीवी ने इनकार करने पर उसने फिर किसी अफसरान के बाला से डर की वजह से रात के 4:30 बजे छोड़ दिया। मेरे मकान के अंदर 15 तारीख को गुंडों को, औरतों को भेज के 15-16 अफराद को इसने घर खाली कराया। आधा सामान मेरा अभी भी घर के अंदर पड़ा है और आधा सामान मेरा रोड पे पड़ा है और मैं एक यार दोस्तों के घर में अपने बच्चों को लेके मैं रखा हुआ है और ये मेरा सबूत है। ये इसने वो यार लॉन्च करी है और ये मेरी बीवी ने पटिशन दायर करी है, ये उसका सिलसिला का सबूत है। मैं किसके आगे जाऊँ, कौन सा महकमा है जिसके आगे जाऊँ, मैं फरियाद लेके जाऊँ। मैं खुद ऑन ड्यूटी पुलिस वाला हूँ, ये ऐसे चलाशारी ऐसा कर रहा अपने मुलाजमान पे, तो आम शहरी आम नादरी के साथ क्या कर रहा होगा। मेरा दिल खोला, मेरी फरियाद सुना, अल्लाह के वास्ते कोई मेरी मदद करे, कोई भी होए इस जमीन पे अल्लाह पाक ने जिसको अख्तियार रख दिया उससे रिश्ते लाके पूछे कि इसने क्यों करा ऐसा नसरीन बंदर के साथ, उनके साथ प्राइवेट औरतों को घुसेड़ा, प्राइवेट मर्दों को घुसेड़ के मेरे 20 बच्चों को खाली करा दिया। मेरा मकान में आधा सामान रखा हुआ, आधा सामान रोड पे पड़ा हुआ, मैं अपने 20 बच्चों को किसी हमदर्द के घर के ऊपर रह बैठा हूँ। अल्लाह ताला मेरी मदद करे, कोई पास पड़वा नहीं यार, कोई सुने मेरी फोन याद अल्लाह के वास्ते।